हे दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सक्सेसफुल लोगों की 8 हैबिट्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हैबिट नंबर 1, वेकिंग अप अर्ली। सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि अपनी आदत में एक छोटा सा बदलाव भी बहुत बड़े डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। अपना हर दिन 5 या 6 बजे शुरू करके वो लोग अपने दिन को और भी ज्यादा प्रोडक्टिव बनाते हैं। अब आप बोलोगे कि जल्दी उठने के लिए तो जल्दी सोना होगा, तो उससे फर्क क्या पड़ता है? इससे अच्छा कि हम लोग लेट सो के लेट ही उठे। वेल दोस्तों, फर्क पड़ता है। कैसे, मैं बताता हूँ। स्टडीज बताते हैं कि हर समय इक्वल नहीं होता और हमारी प्रोडक्टिविटी मॉर्निंग में सबसे ज्यादा होती है जब हमारी बॉडी और माइंड दोनों फ्रेश होते हैं। बहुत सारे लोग अपने गोल्स पे ध्यान अपने काम के बाद देना पसंद करते हैं, मगर तब तक दिन भर का टेंशन और काम की वजह से आपका माइंड और बॉडी दोनों बुरी तरह थक चुके होते हैं। अगर आपको भी सक्सेसफुल बनना है तो आपको अपने रात को लेट सोने की हैबिट को सुबह जल्दी उठने की हैबिट से बदलना पड़ेगा। जल्दी उठ के आप अपने दिन को जल्दी शुरू कर पाओगे और अपने गोल्स पे भी ज्यादा काम कर पाओगे बजाय बाकी लोगों की तरह लेट तक सोने के। हैबिट नंबर 2, ट्रीटिंग फेलियर लाइक गोल्ड। कोई भी सक्सेसफुल इंसान आपको बता देगा कि फेलियर आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इस फेलियर से सीखी हुई चीजें आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करती हैं। और इसीलिए सक्सेसफुल लोग अपने फेलियर से कभी भी नहीं डरते, क्योंकि उन्हें उस फेलियर से बहुत सारे लाइफ लेसंस मिलते हैं जो उन्हें आगे चलकर बहुत ज्यादा मदद करते हैं। साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से बस अपने फेलियर के बारे में सोचने से ही आपकी प्रोडक्टिविटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो बिल गेट्स का पहला बिजनेस वेंचर बुरी तरह फ्लॉप हो गया था, और बाद में जाकर अपने फेलियर से सीखी हुई चीजों से उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत की। या फिर आप वॉल्ट डिज्नी का एग्जाम्पल ले लो, जिनका एक एनिमेशन स्टूडियो बुरी तरह कंगाल हो गया था और फिर बाद में जाकर उन्होंने इतना बड़ा डिज्नी एम्पायर बनाया। अगर आपको भी सक्सेसफुल बनना है तो कभी भी अपने फेलियर को खुद पे हावी मत होने दो, बल्कि उनकी मदद से खुद को और स्ट्रॉन्ग बनाओ। हैबिट नंबर 3, इग्नोर व्हाट अदर्स डूइंग। सक्सेसफुल लोग सिर्फ आउट ऑफ बॉक्स थिंक ही नहीं करते, वो लोग आउट ऑफ बॉक्स रहते भी हैं। अगर आप वो हर चीज कॉपी करने की कोशिश करोगे जो चीज पॉपुलर है या फिर जो टीवी में देखते हो, तो यहाँ आप सक्सेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर रहे हो, जो है इनोवेशन। सक्सेसफुल लोगों को ये अच्छी तरह पता होता है कि ये दुनिया दिन प्रतिदिन बदल रही है और हर दिन इस दुनिया में नए प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो दूसरे उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहे हैं ये देखने के बजाय वो लोग हर प्रॉब्लम का सलूशन खुद निकालते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, सक्सेसफुल लोग कभी भी खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं करते, क्योंकि उनको पता होता है कि ऐसा करने से उनका ही मोटिवेशन और प्रोडक्टिविटी कम होती है। सक्सेसफुल लोग हमेशा खुद पे काम करते हैं और कभी भी अपने काम को दूसरों के काम से कंपेयर नहीं करते। हैबिट नंबर 4, रीडिंग एवरी डे। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि दुनिया के ज्यादातर सक्सेसफुल लोग एक अच्छे रीडर्स भी होते हैं। टॉप सीईओस जैसे इलोन मस्क, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट हर दिन घंटों पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि रीडिंग और सक्सेस एक दूसरे से काफी हद तक जुड़े हुए हैं। स्टडीज ये बताती हैं कि हर दिन कुछ मिनट रीडिंग को देना हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसा मानो कि रीडिंग आपके ब्रेन के लिए एक एक्सरसाइज की तरह काम करती है। इससे आपका मेंटल ग्रोथ तो होता ही है, मगर रीडिंग आपको बहुत सारे मेंटल प्रॉब्लम से भी बचाती है, जैसे डिमेंशिया जैसे डिजीज। अब ऐसा मानो कि रीडिंग ब्रेन की जिम एक्सरसाइज जैसा होता है। ये आपका स्ट्रेस लेवल्स कम करता है। रीडिंग इवन आपको एक अच्छी नींद देने में भी मदद करती है, आपके बॉडी और माइंड को रिलैक्स करके। और रीडिंग का सबसे बेस्ट बेनिफिट तो नॉलेज है। हर दिन रीड करने से आपकी मेमोरी बढ़ती है, वोकैबुलरी बढ़ती है, और आपको कोई भी सब्जेक्ट डिटेल में समझने में मदद होता है। आपको कोई फैंसी डिग्री, जॉब या फिर सेमिनार की जरूरत नहीं अपने गोल्स अचीव करने के लिए। अगर आप हर दिन पढ़ना शुरू कर दो और हर दिन सही बुक्स पढ़ो, तो सिर्फ कुछ ही दिनों में आपको अपना प्रोग्रेस अपने आप दिखना शुरू हो जाएगा। हैबिट नंबर 5, स्पेंडिंग मनी। दोस्तों, बिजनेस की एक सबसे बेस्ट एडवाइस होती है कि हमेशा पैसे कमाने के लिए पैसा खर्च किया करो। अब ऐसा मानो दोस्तों, आप एक कंपनी के सीईओ हो और आपको अपनी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ाना है। यहाँ आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप प्रॉफिट दिखाने के लिए अपने कंपनी के खर्चे 20% कट कर सकते हो, या फिर आप ऐसी चीज में इन्वेस्ट कर सकते हो जो आपकी कंपनी को आगे चल के 20% प्रॉफिट बढ़ा देगा। तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करना पसंद करोगे? दोस्तों, ज्यादातर लोग सबसे पहला ऑप्शन चूज करना पसंद करते हैं, क्योंकि पहला ऑप्शन आपको इमीडिएट प्रॉफिट देगा, मगर दूसरा ऑप्शन आपको लॉन्ग टर्म में आपके बिजनेस को 20% बढ़ाने में मदद करेगा, जो आपकी कंपनी को पहले से भी और ज्यादा प्रॉफिट बनाने में मदद करेगा। और ऐसे माइंडसेट को हम लोग डिलेड ग्रेटिफिकेशन बोलते हैं। साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से अगर आप अभी मिल रही खुशी या फिर
प्रॉफिट को फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर देते हो तो वो आपके सक्सेस को पहले से भी कई ज्यादा बढ़ा देता है। और आप अपने खर्चे और प्रॉफिट्स को उसी तरह देखो, तुरंत मिलने वाले प्रॉफिट्स भले ही अभी आपको ज्यादा सही लग रहे हो, मगर आपको सक्सेस बिना रिस्क लिए और हार्डवर्क के कभी नहीं मिल सकता। हैबिट नंबर 6, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। सक्सेसफुल लोग हमेशा खुद को इम्प्रूव करने के लिए नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। दोस्तों, आप ये मान लीजिए कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, यहाँ तक कि रिच और सक्सेसफुल लोग भी हमेशा खुद को इम्प्रूव करने में लगे रहते हैं। हमारी तरह उनकी भी बहुत सारी वीकनेस होती है, बट वो लोग हर दिन खुद को बेहतर बनाने की हैबिट फॉलो करते हैं, जो हम में से ज्यादातर लोग नहीं करते। तो सवाल ये आता है कि सक्सेसफुल लोग खुद को बेहतर बनाते कैसे हैं? वो लोग हमेशा हर चीज में बेस्ट बनने की कोशिश नहीं करते हैं। इस बात पे विश्वास करना बहुत आसान है कि सक्सेसफुल लोग इसीलिए आगे हैं क्योंकि वो हमेशा से ही हर चीज में आगे थे, मगर हम हमेशा ये भूल जाते हैं कि वो शुरू शुरू में कभी हमारे लेवल पे ही होंगे और उन्होंने भी सेम मिस्टेक्स बनाई होंगी जो हमने बनाई, बट अपनी मिस्टेक से सीख कर वो लोग इतना ऊपर पहुंचे हैं। और अभी भी वो लोग हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं ताकि वो लोग अपने बिजनेस को और आगे ले जा सके। दोस्तों, ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने साल के हो, कितने एक्सपीरियंस्ड हो या फिर कितने अमीर हो। सक्सेसफुल लोगों को ये अच्छी तरह पता होता है कि लर्निंग कभी भी खत्म नहीं होती। हैबिट नंबर 7, नेटवर्किंग, यानी कि आप किस किस लोगों को जानते हो। मुझे पक्का विश्वास है कि ये वीडियो देखने से पहले भी आपने इस चीज के बारे में जरूर सुना होगा। सक्सेसफुल लोग अपने काम में अच्छा होने के साथ साथ नेटवर्किंग में भी बहुत अच्छे होते हैं, मगर ये नेटवर्किंग होता क्या है? नेटवर्किंग बस लोगों के साथ बात करना नहीं होता, बल्कि एक अच्छा नेटवर्कर ऐसे रिलेशनशिप बनाता है जो उनके करियर को आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा मदद करता है। सक्सेसफुल लोग हमेशा ऐसे लोग ढूंढते हैं जिनकी उनको फ्यूचर में जरूरत पड़ने वाली है और जो उनको आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं, और यही कॉन्टैक्ट्स आगे चल के आपके ड्रीम जॉब और अनएम्प्लॉयमेंट जैसे फर्क लाते हैं। तो दोस्तों, क्यों ना हम भी वो हर एक चीज करें ताकि हमें कभी लक की जरूरत ही ना पड़े। और दोस्तों, इस चीज में भी कोई सीक्रेट नहीं कि सक्सेसफुल लोग नेटवर्किंग बाकी लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छी तरह कर पाते हैं, मगर ये लोग हमेशा से ऐसे नहीं थे, वो इतने अच्छे सालों के एक्सपीरियंस से बने हैं। नेटवर्किंग स्किल ऐसी नहीं होती कि वो आप ले के पैदा होते हो, तो ये चीज आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसे ग्रुप ज्वाइन करो जहां आपके जैसे लोग हो, नए कामों के लिए वॉलंटियर करो, अपने हर दिन में कुछ मिनट्स ऐसे निकालो जिसमें आप अपने नेबर को जानो, क्या पता उनमें से ही कोई आपके करियर को आगे बढ़ने में मदद कर दे। एंड फाइनली, हैबिट नंबर 8, एक्सरसाइजिंग कंसिस्टेंटली। सक्सेसफुल लोगों को ये अच्छी तरह पता होता है कि हर एक सक्सेस के पीछे एक सॉलिड फाउंडेशन होता है जो उन लोगों ने अपने ब्रेन और बॉडी को मजबूत करके पाया होता है। जहाँ रीडिंग आपके ब्रेन को बेहतर बनाती है, वहीं हमेशा एक्सरसाइज करने से आपका बॉडी ताकतवर बनता है। हमेशा एक्सरसाइज करके आप अपने बॉडी को उसके ऑप्टिमल परफॉर्मेंस पे लाते हो ताकि आप हमेशा शार्प और पॉजिटिव महसूस कर सको। हमेशा एक्सरसाइज करना आपके बॉडी को 100 तरह की बीमारियों से भी बचाता है। पर एक्सरसाइज करके आप अच्छा महसूस ही नहीं बल्कि अच्छा दिखना भी शुरू कर देते हो, और आपका सेल्फ एस्टीम पहले से भी ज्यादा बढ़ जाता है और आप कॉन्फिडेंट भी महसूस करना शुरू कर देते हो। हमेशा एक्सरसाइज का रूटीन बना के सक्सेसफुल लोग एक सेल्फ डिसिप्लिन बना लेते हैं, जो कि हर एक सक्सेस स्टोरी का बहुत बड़ा पार्ट होता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अब तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा। हैबिट नंबर 1, वेक अप अर्ली। मॉर्निंग में हमारी प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए आप सुबह जल्दी उठकर आप अपने सबसे इम्पोर्टेंट काम पे ध्यान दे सकते हो। हैबिट नंबर 2, ट्रीटिंग फेलियर लाइक गोल्ड। हमेशा अपने फेलियर से सीखो, क्योंकि उसे सीखी हुई चीज आपको आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा मदद करती है। हैबिट नंबर 3, इग्नोर व्हाट अदर्स डूइंग। ये देखने की बजाय कि दूसरे क्या कर रहे हैं, हमेशा खुद सोच समझ के डिसीजन लो, और वो डिसीजन जरूरी नहीं है कि दूसरों को भी पसंद आए। हैबिट नंबर 4, रीडिंग एवरी डे। रीडिंग ब्रेन की एक्सरसाइज की तरह होती है। रीडिंग से माइंड तो रिलैक्स होता ही है, आपकी नॉलेज भी बढ़ती है, और वैसे भी कहा गया है ना कि रीडर्स आर द लीडर्स। हैबिट नंबर 5, स्पेंडिंग मनी। ऐसी चीजों में पैसा खर्च करो जो फ्यूचर में जाके आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करे। तुरंत मिलने वाली खुशी से ज्यादा अभी हार्डवर्क करके फ्यूचर में जो खुशी मिलेगी उस पे ध्यान दो। हैबिट नंबर 6, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। हमेशा खुद को इम्प्रूव करने के लिए नए नए तरीके ढूंढो। सबकी कोई ना कोई वीकनेस होती है, मगर जो अपने वीकनेस पे मास्टरी हासिल करता है वही सक्सेसफुल होता है। हैबिट नंबर 7, नेटवर्किंग। अपने काम को अच्छा करने के साथ साथ ऐसे भी लोगों के साथ कॉन्टेक्ट्स बनाओ जो फ्यूचर में आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकें। और फाइनली, हैबिट नंबर 8, एक्सरसाइजिंग कॉन्स्टेंटली। एक्सरसाइज से आप अच्छा महसूस तो करते ही हो, बल्कि आपकी हेल्थ भी अच्छी होती है, जिससे आपका सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ जाते हैं। तो दैट्स इट दोस्तों, यही था आज के वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलता हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।